वेलकम बैक टू दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल नन्हे लाल टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज भर जाता है तो किस तरह आप डिलीट करेंगे कि आपका मोबाइल का स्टोरेज एकदम खाली हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे फाइल में जाकर डिलीट करते हैं तो आपको दिखाने के लिए तो डिलीट हो जाता है, लेकिन सही तरीके से डिलीट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में स्टोरेज जमा रहता है, जिसकी वजह से मोबाइल आपका हैंग करता है, स्लो चलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आपका स्टोरेज एकदम सही तरीके से बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, समय न गंवाते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अपने फ़ोन का स्टोरेज, भरा हुआ स्टोरेज आप कैसे खाली कर सकते हैं, जो कि आपका मोबाइल पहले से बेहतर अच्छा चलने लगे। दोस्तों, हम अगर ऐसे डिलीट कर देते हैं फाइल से तो डिलीट तो हमारा हो जाता है, लेकिन बहुत से स्टोरेज उसमें जमा रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। अगर आप स्टोरेज में जाके देखेंगे तो भरा पड़ा रहता है। तो इस वीडियो में आप सबको यही बताऊंगा कि स्टोरेज आप कैसे देख सकते हैं भरा है और कैसे उसे जड़ से डिलीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कोई ऐप है, ठीक है, किसी ऐप को हम ले लेते हैं और उसका हमें देखना स्टोरेज कितना है, ठीक है। तो मान लो मैसेंजर का हम ले लेते हैं, इसको दबाएँगे, ऐप इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो है कि सिर्फ 12 MB का है मैसेंजर, लेकिन इसमें जमा है कितना, 274 MB, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, देखो लिखा है क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल डेटा। ये देखो दोस्तों, अभी हमारा इसमें 140 MB सिर्फ बचा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जो है कि इसको डिलीट कर सकते हैं। और एक दो और मैं करके आपको दिखाता हूँ, गूगल पर चलते हैं। ये गूगल है दोस्तों, और इसमें हम ये देखो दोस्तों, गूगल मात्र 55 MB का है, लेकिन इसमें दिखा रहा है कितना, 722 MB। तो यही प्रक्रिया हम दोस्तों इसमें भी करेंगे। देखो यहाँ क्लियर डेटा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें 700 था और बचा है कितना, 590, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी डेटा को साफ कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। तो एक दो और मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर क्रोम में जाएंगे हम, क्रोम को क्लिक करेंगे और फिर ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे, और ये देखो दोस्तों, इसमें भी 500 है, ठीक है। तो इस पर हम क्लियर 500 था, भी दिखाता हूँ कितना बचेगा। ये देखो दोस्तों, सिर्फ 96 MB बचा, मतलब 400 MB ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने स्टोरेज को खाली कर सकते हैं, यही ट्रिक अपनाकर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो ट्रिक आपको पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।